गंदी बस्ती से परेशान है नोएडा में स्थित गौड़ सिटी के निवासी। गौड़ सिटी के ब्लॉक 5 के लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके घर के ठीक सामने जो जगह है उसे गंदी बस्ती में तब्दील कर दिया गया है लोगों ने। गौड़ सिटी के निवासी जब बिल्डर के पास गए इस बात को लेकर, तो बिल्डर ने साफ साफ कहा कि वे जगह गौड़ सिटी के क्षेत्र से बाहर आती है, जिसमें वह कुछ नहीं कर सकते। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने घर इसलिए नहीं लिया था ताकि उन्हें ये दिन देखना पड़े। इंफ्रा फंडिंग में यूपी निकला सबसे आगे, 61 शहरों ने चुना वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग को। पिछले 2 महीने में यूपी में जितना काम हुआ है आधारिक संरचना को लेकर, उतना किसी और राज्य में नहीं हुआ है। आधारिक संरचना को मद्देनजर रखते हुए यूपी के 61 शहरों ने वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग को चुना है सारी परियोजनाओं को वित्त करने के लिए। वैल्यू कैप्चर का ये मतलब है कि सरकार आधारिक संरचना को विकसित करने के लिए ज़्यादा पैसा लगाएगी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से अब आप अपने घर का रेंट पे कर सकते हैं। यूके में स्थित कंपनी रेड जिराफ की आधुनिक तकनीक रेंट पे के जरिए अब आप अपने घर का रेंट दे सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको बस रेड जिराफ के वेबसाइट पर जाकर खुद को और अपने मकान मालिक को रजिस्टर करना है। इस समय भारत में SBI, HDFC, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के कार्ड उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कंट्री वाइड इंडेक्स के मुताबिक ब्रिटेन में पिछले 1 वर्ष में औसतन किराया नहीं बढ़ा है। ब्रिटेन में मासिक किराए की कीमतें स्थिर हो गई है। हाल ही में एक डेटा में देखा गया है कि पिछले वर्ष मई के मुकाबले इस साल केवल 0.1% का उछाल देखा गया है। कंट्री वाइड रेटिंग इंडेक्स के अनुसार लगातार 7वें महीने लंदन शहर में किराए में गिरावट देखी गई। हालांकि अप्रैल महीने के मुकाबले मई में गिरावट काफ़ी कम थी। न्यूजीलैंड में घरों की बिक्री में देखी जा रही है गिरावट। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में रियल एस्टेट मार्केट ठंडा पड़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मई के मुकाबले इस साल घरों की बिक्री में गिरावट देखी गई है। इस साल के पहले 5 महीने में नए घरों की बिक्री ज़्यादा नहीं हुई है, हालांकि घरों की कीमतों में कोई असर देखने को नहीं मिला है।